वेलकम टू बीमा व्लॉग्स। आज मैं आपके सामने अपने बाड़ी के जो पौधे लगे हैं बाड़ी में उसको दिखाना चाहता हूँ। बाड़ी में क्या सुंदरता है, अभी रौनक छा रहा है धीमे धीमे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाड़ी, अब उतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, पर यहाँ पर लग चुके हैं सब्जियाँ जो आपको मैं कुछ हफ्तों पहले ही मैं नर्सरी दिखा रहा था, जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, भटा, टमाटर, ये सब के नर्सरी तैयार किए गए थे, मतलब छोटे पौधे तैयार किए गए थे। अब उनको लगाने का समय आ चुका था, तो हमने बाड़ी को साफ करा, क्यारी बनाए, उसके बाद अब हम लगा दिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ लगा है। ये आप जो लाइन से देख रहे हैं ये गोभी है पूरा, दो क्यारी में ही आ पाया वो, दो क्यारी बोलूँगा तो एक क्यारी ये पूरा लाइन और दूसरा ये वाला, तो दो लाइन में आए इतने सारे गोभियाँ। उसके बाद ये इस साइड ये भटा लगे हुए थे, आप देख रहे हैं ये पूरा भटा लगा हुआ है, और इसके दूसरे साइड दूसरे क्यारी में ये पूरा टमाटर लगा है, और इसके आधे हिस्से में फिर से यहाँ से पूरा भटा लगा हुआ है। तो मैं समय ना रहने के कारण मैं आपको इनको लगाते हुए नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं थोड़ा काम में व्यस्त था और बाहर गया था, तो उसके कारण आपको नहीं दिखा पाया। पर हमने जो मेहनत किए थे उसके फलस्वरूप हमारा पौधा हमको मिला, जितना भी मिला, लेकिन जो हमारा नर्सरी था जिसमें काफ़ी पौधों का नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा पौधा मिल सकते थे हमको लगाने के लिए, पर नहीं मिल पाया, कारणवश कि मौसम उचित नहीं था, उनके कारण काफ़ी बाधाएं आए थे जिसके कारण काफ़ी पौधों का नुकसान हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास जो पौधे मिले वो लगाए हमने, और बाकी जो इधर बाड़ी में मूली और लाल भाजी लगे थे इसको फिर से जुताई करें यहाँ पर, अभी इसमें पानी चल रहा है। वो उधर पर छोटे छोटे अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पर मूली, गाजर और धनिया बोया गया है, तो अभी छोटे हैं तो दिख नहीं रहा है, और अभी मैं जा नहीं सकता उधर क्योंकि पानी चल रहा है तो कीचड़ हो गया, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। सो दोस्तों, और वाले क्यारी में जो दूर लगा है उसमें आलू भी लग चुके हैं, भाजी लग चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा और काम करेंगे, तो अभी थोड़ा देख लेते हैं हम कैसे कैसे पौधे तैयार हुए थे और उनको हम किस प्रकार लगाए हैं। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, उसी प्रकार पौधों के लिए भी ज़रूरत है कि किस प्रकार पौधे इसमें अपना जीवन जिएंगे। अगर सब पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा कर मर जाएंगे। अब देख रहे हैं कि जिसको पानी मिला है, जो अच्छे से बढ़ चुके हैं, वो पौधे कितने अच्छे से बन गए हैं। ये गोभी के पौधे हैं जो अभी काफ़ी अच्छे हो रही है, ठंड में और अच्छे से बनते हैं, इसलिए गोभी की फसल अधिकतर ठंड में लिया जाता है। तो दोस्तों आज मेरा ये फार्मिंग जो खेती बाड़ी किसानी वाला व्लॉग्स बनाने का यही मतलब था कि किस प्रकार हमने मेहनत किया और उसमें सफलता भी नहीं मिला और मिला भी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा और उस पर काम करते हुए गए, और जिसके बाद हमको ये फाइनल एक थोड़ा सा उम्मीद आया, थोड़ा सा हिम्मत जागा कि जैसे हम इन फसल को लगा पाएँ। तो कभी अपने ज़िंदगी में आप हिम्मत नहीं हारना, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना कि ये तो कोई काम चालू करा हूँ अब वो नहीं हो पा रहा है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन हिम्मत नहीं आना। आज आपकी पहचान नहीं बनी है, कल जाके पहचान बनेगा, लेकिन हिम्मत हार के अगर आज ही पहचान खो दोगे तो आगे जाके क्या बनेगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारना। दोस्तों आज के मेरे यही है डेली व्लॉग के वीडियो से आपको मैसेज देने का मतलब। सो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और मेरे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।